हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज के पकोड़े। इसके लिए मैंने 2-3 हरी मिर्च, 2-3 प्याज को स्लाइस में कट करके लिया है और धनिया पत्ता लिया है ढेर सारा। एक मिक्सिंग बाउल लेके उसमें हमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया को ऐड करना है। धनिया पत्ते को पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिया है अजवाइन, उसको हाथ से क्रश करके डालना है ताकि उसका फ्लेवर आ जाए। एक कटोरी बेसन लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। मैं थोड़ी स्पाइसी बनाने वाली हूँ। स्वादानुसार नमक और अच्छे से मिक्स करके लेना है पूरे मसालों के साथ। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके अच्छा सा थिक सा बैटर बनाना है हमें। थिक बैटर बनाने से प्याज के पकौड़े थोड़े क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा नहीं लिया है। हमें आटे को अच्छे से रेडी करके 10-15 मिनट के लिए इसको भीगने के लिए छोड़ देना है। पकोड़े तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई लेकर उसमें ऑयल डाल के ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हमें बैटर लेके उसमें छोटे छोटे डालने हैं पकोड़े। आप आपके हिसाब से थोड़े छोटे बड़े भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़े छोटे छोटे ही डाले हैं, मीडियम साइज़ के। ये प्याज के पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इवनिंग टाइम में चाय के साथ बना लीजिए, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगते हैं। वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। हमें दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करके लेने हैं पकौड़े। ये देखिए, अब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई हो चुके हैं। अब हमें एक प्लेट में निकाल लेने हैं। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब निकाल लिए है एक प्लेट में। मैं इसी तरह से सारे पकोड़े बना करके लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही यम्मी बने हैं। चाय के साथ गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े खाने के लिए तैयार है। आप भी बनाइएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छी रेसिपी में।